तो आज का शीर्षक है, परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना क्या होता है? प्रार्थना और परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना, इन दोनों में फर्क है। तो क्या फर्क है? प्रार्थना तो किसी से भी की जा सकती है, चाहे वो मनुष्य हो या देवी देवता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना तो केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से ही की जा सकती है, किसी और से नहीं। तो मैं यहां उन मसीहियों को यह संदेश दे रहा हूं जो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना के विषय में जानना चाहते हैं। तो कोई कहेगा कि भाई, प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, तो ये परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना क्या होती है? और अगर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही होना है, तो हमें प्रार्थना करने की भी क्या जरूरत है? तो ध्यान से सुनिए संदेश को। अब अगर बाहर सड़क पर मुझे कोई अजनबी दिखाई दे जाए और मैं उससे जाकर पूछूं कि भाई साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी इच्छा क्या है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाएगा। मेरा सवाल उसे थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं है। अगर मुझे उसकी इच्छा जाननी है, तो सबसे पहले मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। मुझे उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा, उसकी पसंद नापसंद जाननी पड़ेगी, जीवन के बारे में उसके विचार जानने पड़ेंगे, तब जाकर वो मुझे अपने दिल की इच्छा बताएगा, अपनी योजनाएं बताएगा। ठीक इसी तरह परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर को अच्छी तरह जानना होगा कि वो कौन है, उसका चरित्र क्या है, हिज कैरेक्टर, उसकी प्रकृति क्या है, हिज नेचर, वो कैसे सोचता है, उसने आदिकाल से अब तक क्या किया है। हमें उसके साथ समय गुजारना पड़ेगा ताकि हमारा उसके साथ एक रिश्ता बन सके, तब जाकर हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हर चीज को लेकर, मानव को लेकर, मानव जाति को लेकर, और हमारे व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी उसकी जो योजनाएं हैं हमारे लिए वो क्या है, वो तभी हम जान पाएंगे जब हम परमेश्वर को अच्छी तरह जान पाएंगे। तो कोई कहेगा कि ब्रदर, ये तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? तो उसका उत्तर है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना ही पड़ेगा, उसके साथ रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, अगर आपको उसकी इच्छा जाननी है। तो वो पूछेगा, लेकिन ब्रदर, मनुष्य के साथ तो हम संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें दिखता है, लेकिन परमेश्वर तो दिखता ही नहीं है, फिर हम क्या करें? तो मेरा जवाब होगा कि परमेश्वर आपको दिखाई भी देगा, वो आपसे बातें भी करेगा, वो आप उसकी आवाज सुन भी सकोगे अगर आप उससे एक आत्मिक रिश्ता बनाओगे। तो वो पूछेगा कि ये कैसे होगा कि हम एक आत्मिक रिश्ता बनाएं? परमेश्वर के वचन बाइबल से, जो परमेश्वर का दिल और उसका मन है, अर्थात हिज हार्ट एंड हिज माइंड। अगर आप बाइबल को अच्छे से समझ जाओगे, तो आप परमेश्वर को भी अच्छे से समझ जाओगे, और आपके जीवन के लिए उसकी जो इच्छा है वो भी अच्छे से जान जाओगे। अब जो लोग वचन में नहीं पढ़ रहे होते और परमेश्वर की इच्छा जानने के शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, वे अक्सर ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें छलते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपने देखा होगा कोई चर्च लीडर चर्च में किसी लड़की से कहेगा कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उस लड़के से शादी कर लो, या वो किसी लड़के से कहेगा कि परमेश्वर की इच्छा है कि जिस लड़के से तुम शादी करना चाहते हो उससे मत करो, बल्कि उससे करो जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, या जो नौकरी तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दूसरी नौकरी देना चाहता है, या वो तुम्हें विदेश भेजना चाहता है। तो होता क्या है, मसीही अपने जीवन के हर फैसले के लिए ऐसे लीडर्स पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं और अक्सर चोट खाते हैं। जो भी मसीही वचन में नहीं बढ़ रहा होता, वो इन पर निर्भर होना शुरू हो जाता है बजाय यीशु मसीह पर निर्भर होने के। तो कभी कभी क्या होता है, कोई पूछेगा, पास्टर, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, क्या ये बिजनेस मुझे लाभ पहुंचाएगा? अब यहां मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पास्टर या चर्च लीडर से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको केवल उन पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए,
आपको परमेश्वर के साथ अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना पड़ेगा, अ पर्सनल रिलेशनशिप। अगर आप वचन में बढ़ते रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन से जुड़ी अपनी हर इच्छा पहले आपको बताएगा। पास्टर और चर्च लीडर तो केवल उस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करेंगे। कभी कभी जब कोई मुझसे पूछता है कि परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने, तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या इच्छा है, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो इच्छाएं हैं उसे परमेश्वर पूरी करेगा कि नहीं। दोनों बातों में फर्क है। अब जब मैं बॉम्बे में रहता था तो जो मेरा एक रूममेट था वो मीडिया में था, क्योंकि मैं भी मीडिया में था, तो वो एक्टर बनने के लिए आया था बॉम्बे में। तो जब मैं मसीह में बढ़ने लगा और मुझे समझ आने लगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है जीवन के बारे में, तो वो भी कभी कभी मेरे साथ चर्च जाता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा कि दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम परमेश्वर की इच्छा में ही चलना चाहते हो? उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि अगर परमेश्वर तुमसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि तुम एक्टर बनो, तो तुम क्या करोगे? तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया, उसके बाद बोला कि नहीं भैया, वो ऐसा चाह ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं चाह सकता? कहता नहीं, उसको पता मेरे दिल की इच्छा क्या है, वो तो वही करने देगा मुझे जो मेरे दिल की इच्छा है। तो मतलब क्या हुआ? मनुष्य अपने दिल की इच्छा को लेकर सोचता है कि परमेश्वर इसे पूरी कर दे, और वो उसी हिसाब से प्रार्थना भी कर रहा होता है। तो वो मनुष्य की इच्छा होती है, परमेश्वर की नहीं होती है। तो क्या फर्क है प्रार्थना और परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना में? पहला योहन्ना 5:14-15 कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव मतलब कॉन्फिडेंस, जो एक आत्मविश्वास होता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारे सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तो होता क्या है कि आमतौर पर लोग 15वीं आयत तो पढ़ते हैं, 14वीं आयत पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। 15वीं आयत जो ये कहती है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है और हमने पा लिया है, लेकिन 14वीं आयत ने क्या बताया था? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ बाइबल टीचर्स वो मरकुस 11:24 दिखाकर कहते हैं कि यीशु ने कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, अर्थात विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जिस तरीके का व्याख्यान वो करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुछ मांगो परमेश्वर से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब भले ही वो मसीही हो या ना हो, उसे तो पता ही नहीं चल रहा। अगर वो मसीही है तो भी वो विश्वास में बड़ा नहीं होता, वचन में बड़ा नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं होता। तो वो सोचता, अच्छा मसीह मेरी इच्छा पूरी कर देगा, तो वो जो मर्जी मांगता रहता है। फिर ये जो ऐसे प्रीचर्स होते हैं जो बाइबल ना तो खुद सीखते हैं ना किसी को सही तरीके से सिखाते हैं, वो उसकी भावनाओं को उत्तेजित कर देते हैं। तो उनको लगने लगता है कि सब कुछ कर देगा मसीह मेरे लिए, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। पूरी की पूरी सृष्टि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए करी है, तो वो अपनी योजना चला रहा है इस संसार में, और जब तक हम उसकी योजना नहीं समझेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो उसकी इच्छा को भी नहीं समझेंगे, तो हम अपने स्वार्थ में प्रार्थना कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इन आयतों के आधार पर मसीह हमारे सारे स्वार्थ पूरे कर देगा जो भी मेरे मन में है। लेकिन ऐसे नहीं सिखाती है बाइबल। तो अब जो नया मसीह होता है वो अभी वचन में बड़ा नहीं होता, तो उसे ये नहीं पता होता है कि परमेश्वर की इच्छा में क्या है और क्या नहीं। उस मसीही की अभी आत्मिक उन्नति नहीं हुई होती, इसलिए वो जो भी कुछ मांग रहा होता है वो प्रार्थनाएं शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं से ही जुड़ी होती हैं, जो कभी कभी परमेश्वर की इच्छा में नहीं होती। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने जीवन की शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भाई अगर आप बीमार हैं तो आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हो सकता है परमेश्वर आपको वैसे ही चंगा कर दे, या फिर वो किसी डॉक्टर के पास ले जाएगा आपके पास और सही इलाज करवाएगा, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप एक अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर मेरे घर में बहुत ज्यादा गर्मी है
तो मैं एक वाटर कूलर के लिए या एसी के लिए परमेश्वर से पैसे मांगूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे दूसरी वाहन भी हो सकते हैं, मुझे बाइक चाहिए या मुझे कार चाहिए जो मेरी आवश्यकताओं में आती है, मेरे लालच में नहीं, जितनी जरूरतें मेरे को हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है तो भले ही वो सांसारिक लगता है देखने में, लेकिन वो प्रार्थना फिर भी परमेश्वर की इच्छा में होती है। लेकिन फिर भी इन जरूरतों के लिए आप परमेश्वर की इच्छा में ही प्रार्थना कीजिए, जो मैं संदेश में समझाऊंगा कि वो कैसे होती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ये समझाने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना क्या होता है। एक बार मैं एक चर्च में गया था तो वहां पर कुछ गवाहियां दी जा रही थी। तो एक यंग लड़का जिसकी उम्र कोई 17-18 साल थी, तो वो खड़ा हुआ और वो यीशु को धन्यवाद दे रहा था और कह रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह एक दिन मुझे रॉक स्टार बना देगा, क्योंकि वो म्यूजिक में अच्छा था, वो रॉक स्टार बनना चाहता था। तो उसको ये डिफरेंस नहीं पता, उसको ये अंतर नहीं पता कि संसार क्या है और मसीही जीवन क्या है, उसको नहीं पता, वो वचन में नहीं पढ़ा, अभी नया नया मसीही होगा शायद। तो वो कह रहा मुझे परमेश्वर मुझे रॉक स्टार बना देगा और उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो आज रॉक स्टार मतलब क्या? अगर आप देखो तो जो रॉक स्टार्स होते हैं आज, जो रॉक म्यूजिक बजाते हैं, उनके जीवन की तरफ देखो आप, क्या होता है उसमें? बहुत कुछ पाप हो रहे होते हैं उसमें, पूरे शरीर पर उन्होंने टैटू लगा रखे होते हैं। बहुत से रॉक स्टार तो फेमस होने के लिए शैतान के साथ लहू की वाचा करते हैं। बहुत सारे रॉक स्टार्स व्यभिचार में पड़े होते हैं, सेक्स में पड़े होते हैं, हर तरह की बुराई उस कल्चर में आ जाती है। तो जब आप कहते हो रॉक, तो कुछ लोग इस बारे में तर्क करते हैं कि रॉक म्यूजिक अपने आप में गलत नहीं होता, लेकिन यहां पर वो रॉक स्टार बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। उसके पीछे कितनी बुराइयां जुड़ी है इसका उसे अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो वचन में नहीं पढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर उसको रॉक स्टार बनाना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा कि उसका जीवन बर्बाद हो। तो वो जो प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा में बिल्कुल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो वचन में बढ़ेगा तो परमेश्वर की इच्छा समझ जाएगा उसके जीवन के लिए। तो आज के बहुत से युवा बहुत प्रभावित होते हैं सांसारिक मूल्यों से, तो प्रार्थनाएं भी वैसी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आज जवान लड़के लड़कियां वो फेमस फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। मैं उस लाइन से आया हूं, जब मैं मसीह में नहीं था तो मुझे पता कितनी बुराई है उसमें, कितने पाप जुड़े हुए हैं जो बाहर से दिखते नहीं है। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि उसका कोई भी बच्चा ऐसे रास्ते पर जाए? कभी नहीं चाहेगा वो। तो क्या होता है, मुझे फेमस बनना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, ये सब संसार सिखाता है उसको। लेकिन जब वो वचन में बढ़ने लगता है तो वो जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कैसे जानता है वो जान पाता है क्योंकि वो वचन पढ़ता है, आयतें पढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एक दिन वो पढ़ेगा कि रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अपने नए अनुभव से मालूम करते रहो। तो यह वचन उसको सिखाएगा कि संसार जैसे मत बनो, उल्टा तुम्हारा जो नया चाल चलन है वो बदलना चाहिए, वो प्रभु में आना चाहिए। तो पवित्र आत्मा अगर उसके अंदर है, उसने विश्वास अगर किया है, तो ये आयत उसको समझ आने लगेगी, उसके मन में उतरने लगेगी वो आयत। पहला योहन्ना 2:15-16 कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से ही है। जब यह आयतें पढ़ेगा तो कुछ और परमेश्वर उसको सिखाएगा, उसके मन में बदलाव आने लगते हैं। तो होगा क्या, जो पहले वो प्रार्थना करता था उसे लगने लगेगा कि नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। धीरे धीरे उसकी उन्नति हो रही है, आत्मिक उन्नति हो रही है। आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो ये सिखाते हैं कि अगर आप यीशु में आ गए हो तो यीशु जो है आपके सारे सपने पूरे कर देगा, आप यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। तो वो आपको धन भी देगा, बड़ा घर भी देगा, बड़ी गाड़ी भी देगा, आपको बस उसे मांगना है। आप हर चीज के लिए प्रार्थना कीजिए, बड़े से बड़ी चीज के लिए करते रहिए प्रार्थना, और तकाजा कीजिए, दावा कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप में बहुत शक्ति है, आप मुझे ये दीजिए। ऐसे बहुत से प्रचारक जो नए मसीहों का भावनात्मक तरीके से उत्तेजना पैदा करते हैं, उनके अंदर इमोशंस को हाइटन कर देते हैं। तो जब वो चर्चों में जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा मैसेज था, लेकिन वो मैसेज सिर्फ उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर रहा है, उनकी आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा होता कुछ भी, क्योंकि वचन तो गया नहीं ना। परमेश्वर का हृदय
और परमेश्वर का मन तो गया नहीं ना उसके अंदर, पूरे संदेश में उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जब वो बाहर आते हैं तो वो वैसे ही सोचते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, फिर वही सांसारिक और शारीरिक जीवन, तो उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही होती है। तो इससे क्या हो रहा है, संसार भर में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल यानी संपन्नता का सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि आप संपन्न हो जाएंगे, आप संपन्न हो जाएंगे। तो बहुत से लोग उन मिनिस्ट्रीज को पैसा भी देते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में कोई फर्क आता है? नहीं, क्योंकि वचन तो जा नहीं रहा, वचन तो सिखाया नहीं जा रहा उनको, बस ये बताया जा रहा है कि यीशु सब काम कर देगा तुम्हारे। तो उस तरह की शिक्षा बाइबल में नहीं है, लेकिन जो वचन में पढ़ते हैं वो आयतें पढ़ते हैं, क्योंकि वही आयतें जैसे यीशु ने बोला यूहन्ना 6:63 में कि ये मेरे वचन नहीं है, ये आत्मा है, ये जीवन देते हैं। तो जब वो आयतें पढ़ते हैं तो उनके मन में बदलाव आने लगते हैं। तो वो जब जो ये संपन्नता का जो सुसमाचार एक तरफ सुनाया जा रहा है, जब वो आयत पढ़ेगा मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर 1 तिमुथियुस 6:9-11 में वो पढ़ेगा, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। धन आपको छलनी भी कर सकता है, ये वो बाइबल से सीखते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये वास्तविक धन है जो परमेश्वर देना चाहता है, ये वचन से सीखेगा वो। तो उसको लगेगा कि जो मुझे संपन्नता के बारे में बताया गया था वो तो गलत संपन्नता थी, असली संपन्नता तो इन आयतों में। तो मैं मानता हूं कि आज परमेश्वर किसी को धनी बना सकता है अपनी इच्छा में, लेकिन जब वो उस विश्वासी को धनी बनाता है तो उससे पहले वो उसे संपन्न करता है उसके वचन में, ताकि उस विश्वासी को समझ आ जाए कि इस धन का उपयोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए करना है, उसके राज्य के लिए करना है। तो ऐसे बहुत से धनी लोग हैं, बिजनेसमैन, जो अपने धन का इस्तेमाल सही अर्थों में परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। तो वचन में जो बढ़ेगा उसको समझ आएगा। आज कलीसिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो फिल्मों से, टीवी से प्रभावित होकर, संसार से प्रभावित होकर मॉडल्स बनना चाहती हैं, टेलीविजन में, फिल्मों में एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। तो वो उस समय ये नहीं देखती कि जिस तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं मॉडल्स को या फिल्म एक्ट्रेसेस को, या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, या उनका जो आचार व्यवहार होता है समाज के साथ, लड़कों के साथ वो कैसा होता है। उनको ये नहीं पता होता कि उस तरह के जीवन में कितने खतरे होते हैं, बहुत सारे मुसीबतों में वो अपने आप को फंसा लेते हैं एक के बाद एक। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी लड़कियों को मुंबई में, क्योंकि मैं वहां रहता था 14 साल पहले, तो उस समय मैंने देखा है कि वो लड़कियां ऐसे तजुर्बे, ऐसे अनुभवों से गुजरती हैं जो फेमस होना चाहती हैं, मॉडल बनना चाहती हैं, उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, पूरा जीवन जो है उनका नरक की तरफ जा रहा होता है। लेकिन शैतान उन्हें बोलता है फेमस होना जरूरी है, लोग जाने आपको, आपकी प्रशंसा करें, आपके पास बहुत धन होना चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए। सब प्रकार के पाप उस लाइन में होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लड़की जो मसीही है वो वचन में नहीं बढ़ रही होती, तो उसे लगता है कि मैं इसके लिए भी प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर मुझे मॉडल बना दे, परमेश्वर मुझे एक फेमस एक्ट्रेस बना दे, क्योंकि वो वचन में नहीं बढ़ रही होती है। आज फेसबुक में ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि जो नई मिस इंडिया है उसने बोला है कि गॉड ने उसे मिस इंडिया बनाया है, परमेश्वर ने उसे मिस इंडिया बनाया। तो बहुत से नए मसीही जो वचन में नहीं पढ़ रहे होते वो प्रभावित हो जाते हैं इस बात से कि देखो गॉड मिस इंडिया भी बना सकता है, मिस वर्ल्ड भी बना सकता है। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि कोई भी स्त्री वैसे कपड़े पहने जैसा उन प्रतियोगिताओं में होता है, मिस वर्ल्ड में, मिस यूनिवर्स में, जहां शरीर का प्रदर्शन होता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि कोई भी उसकी बेटी ऐसे कपड़े पहने? बिल्कुल नहीं चाहता वो कि वो अपने शरीर का प्रदर्शन करे। तो अगर बाद में वो लड़कियां जो ऐसा सोचती हैं कि हमें ये सब करना है, अगर वो वचन में जब बढ़ने लगती है, वो आयतों को पढ़ने लगती है, तो उनको समझ में आना शुरू होता है कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा रखता है, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दोज गर्ल्स, उन्हें समझ में आने लगता है। तो वो आयतें पढ़ती हैं 1 तिमुथियुस 2:9-10, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। तो
वो समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन से, और ये गलत मूल्य निकलने लग जाते हैं, तो उसकी प्रार्थना में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे ये प्रार्थना छोड़ देती है कि मुझे मॉडल बनना है या मुझे बहुत फेमस एक्ट्रेस बनना है। तो हमने देखा था अभी हाल ही में बहुत फेमस एक्ट्रेस की मृत्यु हो गई थी, किन हालातों में हुई थी, वो होती है सच्चाई। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। समझ लो कि एक नया विश्वासी है, एक नया मसीही लड़का, वो अभी अभी विश्वास में आया, तो वो उसे अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो वचन में बड़ा नहीं है। तो वो अपने ऑफिस में जाता है और वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो उसके ऑफिस में एक अच्छी सुंदर दिखने वाली एक लड़की है, जो नेचर भी उसका बहुत अच्छा है, बातचीत में भी बहुत अच्छी है। तो वो उसके लिए प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर मुझे इससे शादी करनी है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन अगर वो वचन में बढ़ने लगेगा धीरे धीरे करके, तो वो पढ़ेगा 2 कुरिन्थियों का 6:15, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, बलियाल मतलब शैतान, मसीह का शैतान से क्या लगाव, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। तो वो सोचेगा कि ओ, जिस लड़की के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो तो अविश्वासी है, वो तो मूर्ति पूजा करती है, उसको तो सच्चे परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, उसके अंदर तो पवित्र आत्मा नहीं है, तो हमारा संबंध तो हो नहीं सकता। तो जब वो आयते पढ़ेगा तो उसकी प्रार्थना बदलने लगेगी और वो परमेश्वर की इच्छा में सोचने लगेगा, तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसी लड़की के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे एक विश्वासी लड़की के लिए प्रार्थना करनी है। तो वो क्या करेगा, अभी भी वो बढ़ रहा है, तो वो चर्च में देखेगा कि अच्छा, कोई अच्छी सी लड़की है, अच्छा भैया ये मसीही है, तो वो उसके लिए प्रार्थना शुरू कर देगा शुरू, कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मुझे इससे विवाह करना है। तो होता क्या है कि अभी भी वो वचन में पूरा नहीं पढ़ा है, तो भी वो उसे लग रहा है कि मैं मसीही से शादी कर रहा हूँ जितना उसने पढ़ा, लेकिन अभी भी वो शरीर में ही सोच रहा है, अभी भी वो उसकी सुंदरता ही देख रहा है, उसके हाव भाव, उसके आचार व्यवहार को ही देख रहा है। उसने सोचा कि ये मसीही है तो चलो ठीक है, ये लिखा है, लेकिन जब वो वचन में और बढ़ने लगेगा और आयतें पढ़ेगा, परमेश्वर उसे बहुत कुछ सिखाएगा, जैसे वो गलातियों का 5:22 पढ़ेगा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, तो वो सोचेगा कि क्या इस लड़के में ये सब कुछ है, भले ही ये मसीही है, तो वो सोचने लगेगा। उसके बाद उसमें लिखा है तीतुस 2:4-5 में, हे जवान स्त्रियों, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखो। तो वो सोचेगा कि क्या ये लड़की इस तरह की है जो अपने पति से या बच्चों से प्यार करेगी इतना, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो वो सोचेगा क्या जिस मसीही लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके अंदर वो अधीनता दिखती है मुझे, चर्च के लिए या पास्टर के लिए या परमेश्वर के लिए, तो उसके अंदर बदलाव आ रहा है, तो भले ही वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो अब धीरे धीरे उसको लगेगा कि नहीं, शायद वो लड़की नहीं है मेरे लिए। ये विचार कौन बदल रहा है, परमेश्वर, कैसे, वचन के द्वारा। तो अब वो क्या करेगा, अब उसकी प्रार्थनाओं में बदलाव आने लगेगा, वो सच्चाई समझते जा रहा है। तो वो शारीरिक सुंदरता को इतना महत्व नहीं देगा किसी भी लड़की के, अब उसके अंदर आत्मिक जीवन आने लग गया है, उसका पूरा मन आत्मिक होता जा रहा है। तो वो ऐसे लड़के के लिए प्रार्थना करेगा जिसके अंदर ये सब खूबियां जो मैंने अभी पढ़ी आयतों में। सो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो वचन में बढ़ते जा रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा को समझने लगता है और उसकी प्रार्थनाएं भी उसी आधार पर होने लगती है। तो ऐसे ही एक लड़की के साथ भी होता है, जब वो किसी लड़के को ढूंढ रही होती है शादी के लिए, तो पहले वो शारीरिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आत्मा में बढ़ने लगती है और उन आयतों को पढ़ती है जो कि उसके पति में होना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे वो वैसे ही प्रार्थना करने लगती है कि परमेश्वर मुझे ऐसा पति दे जो तुझसे प्रेम करता हो, जैसे मैंने अपने पिछले संदेश में बताया था लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। तो पहले ये ढूंढेगी कि कौन सा ऐसा लड़का है जो परमेश्वर की इच्छा में भी है और वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, तो उसके उसकी प्रार्थना बदलने लगेगी। तो वो शरीर से निकलकर आत्मा में प्रार्थना करने लगेगी और वचन में और आयतों में बढ़ती जाएगी। तो कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर की इच्छा को जानने का, सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल। इसीलिए कभी भी जब नए जवान विश्वासी हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें शादी करनी है, हम शादी करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हो, तो मैं तो उन्हें ये समझाता हूँ कि भाई पहले वचन में पढ़ो, अभी शादी के बारे में मत सोचो, अभी तुम नए हो, और समझो कि प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, झट से शादी में मत कूदो, अभी तुम आत्मिक तौर पर तैयार नहीं हो, तुम शरीर में ही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वो फैसला अगर शरीर में होगा, आत्मा में नहीं होगा, तो बाद में दुख उठाओगे, तब तुम वापस भी नहीं आ पाओगे शादी से। इसलिए पहले वचन में बढ़ते रहो और परमेश्वर की इच्छा जब जान जाओगे तो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने लगोगे। फिर जैसा आयत बताती है पहला योन्ना
5:14 कि उसकी इच्छा में जब तुम प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना वो पूरी करता है। तो कभी कभी किसी को नौकरी मिल जाती है जिसमें बहुत पैसा होता है, तो वो कहेगा कि गॉड ने मुझे ब्लेस किया, मुझे इतनी अच्छी नौकरी दे दी। पर अगर वो नौकरी उसका सारा समय ले जाती है, उसके पास चर्च आने का समय नहीं है, उसके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं बच रहा उसके पास अपनी पत्नी अपने परिवार के लिए समय नहीं बच रहा, तो वो जॉब वो नौकरी परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। तो अगर वो मैच्योर्ड बिलीवर होगा, यानी कि परिपक्व होगा, बढ़ गया होगा वचन में, तो वो ऐसी नौकरी के लिए कभी नहीं प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसके लिए धन सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा दिया हुआ जीवन सब कुछ होगा। तो वो ऐसी बड़ी सैलरी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करेगा और बोलेगा परमेश्वर मुझे एक ऐसी नौकरी दे जिसमें मेरे जीवन में संतुष्टि हो और मेरा जो संबंध है आपसे बढ़ता रहे। तो पहला तिमुथियुस 6:8 वो पढ़ेगा इस आयत को, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। वो कहेगा ओहो, मैं जो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तो सोचेगा नहीं, मुझे ये आयत ज्यादा अच्छी लग रही है, पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा है। तो वो एक ऐसी नौकरी ढूंढेगा जिसमें जो मसीही जीवन से जुड़ी हुई हो और उसके परिवार के लिए अच्छी हो, और वो और आगे बढ़ता रहेगा अगर वचन में, तो वो सिर्फ ना केवल इतना समझेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, बल्कि वो आगे जाके ये भी समझने लगेगा कि परमेश्वर की एक योजना भी है उसके जीवन के लिए, व्यक्तिगत योजना, अ पर्सनल प्लान फॉर हिज लाइफ। समझ लो कि वो एक इंजीनियर बनना चाहता था और अमेरिका जाके नौकरी करना चाहता था, तो वो पहले उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे इंजीनियर बना दो, मैं अमेरिका जाके नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे वहां एक नौकरी दिला दो। पर जैसे जैसे वो वचन में बढ़ता जा रहा है, एक दिन क्या होता है कि जब वो वचन में बढ़ रहा है तो परमेश्वर उसे एक मौका देता है। उसका पास्टर देखता है कि ये वचन में बहुत गहराई से रुचि रखता है, एक दिन उसे बुलाता है, कहता है क्या तुम एक छोटा सा संदेश दोगे 5 मिनट का। और वो बड़ा आनंदित होता है क्योंकि उसके अंदर वचन जा रहा होता है, कहता है हाँ। तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। फिर अगले हफ्ते वो संदेश जब देता है तो परमेश्वर उसे दिखाता है कि देखो मैं तुम्हें इस काम के लिए बुला रहा हूँ, प्रचार के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए। तो धीरे धीरे परमेश्वर उसे समझाता है कि मैं तुम्हें एक प्रचारक बनाना चाहता हूँ, एक मिशनरी बनाना चाहता हूँ, एक पास्टर बनाना चाहता हूँ। तो क्या हो रहा है, वो जो पहले प्रार्थना कर रहा था उसमें बुराई कुछ नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसकी व्यक्तिगत योजना सिखा रहा है उसको कि मेरी इच्छा में जो मेरी योजना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो ये है कि तुम एक प्रचारक बनो, बाइबल टीचर बनो। तो वो जब वचन में बढ़ रहा था उसे समझ भी आएगा और उसको आनंद भी लगेगा उसमें और शांति भी आएगी, उसे अच्छा लगेगा ये काम करते हुए। ऐसा मेरे पास्टर के साथ भी हुआ था। वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और वो उसके लिए ही, वो जानते नहीं थे परमेश्वर को, तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो जीवन है वो ऐसे ही चलेगा। उनकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी शायद विदेश जाके बहुत पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें धीरे धीरे समझाया। जब वो वचन में बढ़ने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें समझाया, नहीं मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हारे जीवन की मेरे लिए एक योजना है, मैंने एक योजना बनाई है, तुम एक बहुत अच्छे पास्टर बनोगे और तुम बहुत अच्छे से बाइबल सिखाओगे जिसकी वजह से बहुत से लोग बाइबल सीखेंगे और मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। तो जब उसको ये योजना समझ आने शुरू हुई तो उसने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। फिर वो बहुत अच्छे पास्टर बने, आज 25 साल से पास्टर है वो, और मैं भी उनसे सीखा, पूरा बाइबल कॉलेज चलाते हैं। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने यही सिखाया मत्ती 6:9-10 में, तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, आगे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो उसने बोला प्रार्थना में सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए पूरी, ना कि मेरे स्वार्थ या मेरी इच्छाएं, जैसे आजकल के प्रचारक बताते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पहले पूरी होनी चाहिए। एक दिन मैं अपने चर्च में छोटा सा संदेश दे रहा था, तो मैंने लोगों से पूछा वहां पे बॉम्बे वाले चर्च में, मैंने कहा कि हम सब लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसे डॉक्टर बना दे, उसे इंजीनियर बना दे, उसे क्रिकेटर बना दे, बहुत पैसा बहुत नाम है उसमें। कितने लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर उसे वो बना जो तेरी इच्छा हो? कितने लोग हैं हम में से? क्या हमें से कोई ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को पास्टर बना दो, या उसे प्रचारक बना दो, या उसे मिशनरी बना दो? कितने हैं हम में से जो ये प्रार्थना करना चाहते हैं? या फिर हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ सांसारिक और शारीरिक चीजें ही मांगते रहते हैं? ये हमें सोचना है। मेरे खुद की गवाही यह है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत टैलेंट दिया,
लेखन में, राइटिंग, डायरेक्शन में, निर्देशन में और एडिटिंग में, संपादन में। नेचुरल गिफ्ट था, मुझे किसी से सीखना नहीं पड़ा था। तो उसके आधार पर मेरा काम बहुत, उसकी बहुत प्रशंसा होती थी और मैं अच्छे पैसे कमा रहा था और मुझे दिख रहा था कि मैं आगे जाके बहुत नाम, बहुत पैसा कमाऊंगा, जिसके लिए मैं बॉम्बे में काम कर रहा था। तो जब मैं नया नया विश्वासी बना तो मेरी प्रार्थनाएं भी वैसी होती थी, परमेश्वर मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसको सफल बना दो, वो नया प्रोजेक्ट मुझे दिलवा दो, मैं वैसी ही प्रार्थनाएं कर रहा था। तो लेकिन जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ता गया और वो वचन मेरे मन में उतरने लगे, परमेश्वर ने मेरा मन बदल दिया और उसने मुझे सिखाया कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूँ। और जितना मेरा संबंध बढ़ता गया वचन के साथ, उतना मैं परमेश्वर की जो योजना है मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, उसकी क्या इच्छा है, उसको समझने लगा मैं। तो उसने मुझे धीरे धीरे दिखाया कि तुम्हारे जितना भी तुम्हारा टैलेंट है, डायरेक्शन का, स्क्रिप्टिंग का, जो तुम लेखन करते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम एडिटिंग करते हो, मैं अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर वो पहले बोलता मुझे तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ा, मुझे उसकी ये योजना समझ आने लगी। तो मैं 5 साल पहले से ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, हमारे देश के लोगों को बाइबल ठीक से मालूम नहीं है, तो इसलिए कलीसियाओं में आज जो है वो इसी तरह के प्रचार हो रहे हैं, संपन्नता का सुसमाचार, या यीशु ये कर देगा, वो कर देगा, वचन कोई सिखा नहीं रहा है। तो मेरे दिल में ये इच्छा है कि जैसा आपने मुझे सिखाया वैसा ही सब लोगों को सीखने को मिले। अगर तू समझता है कि मैं इस योग्य हूं तो मुझे बता, मुझे क्या करना है। तो परमेश्वर ने मुझे 5 साल पहले वो मुझे एक ही बात कहता था कि मैं तुम्हें यूज करूंगा बाइबल सिखाने के लिए, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग तरीके से, और मैं सोचता रहता था कि वो क्या तरीका होगा। तो आज मैं देखता हूं कि मेरी उस प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत से लोग बाइबल सीख पा रहे हैं और मैं ये प्रचार कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं समझ गया इस बात को कि जब आप वचन में पढ़ते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं कैसे बदल जाती है। तो मैं आज इसके लिए प्रार्थना नहीं करता कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, बहुत फेमस हो जाऊं, जैसे पहले करता था। आज मैं बाइबल को समझ गया हूं, तो आज मैं वैसी प्रार्थना करता हूं जैसे आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने आयत पढ़ी, नीति वचन 30:8, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, संसार के जितने भी मूल्य व्यर्थ हैं, जो वेस्ट हैं, और जितने झूठे हैं, उनको दूर रख प्रभु मुझसे। चाहे देखने में वो बहुत चमक रहे हैं, चकाचौंध है वहां पे, नहीं चाहिए मुझे। आगे वो कहता है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाएगा। मुझे परमेश्वर का यह वचन समझ आ गया, तो मेरी प्रार्थना भी वैसी होती जा रही है। तो मैं परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना सीखता गया जैसे जैसे बाइबल में पढ़ता रहा। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे बाइबल के लिए ज्यादा समय मिले, मैं ज्यादा वचन पढ़ सकूं और लोगों को सिखा सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय गुजार सकूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है मेरे जीवन के लिए, वो तो पूरी कर, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा एक दिन, सबको मरना ही है, और मेरा सामना किससे होने वाला है, मैं अपने साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह से तो मिलूंगा, ये मुझे पता है। तो जब मैं उसे मिलूंगा तो मैं उससे सिर्फ वही सुनना चाहता हूं जैसा उसने मत्ती 25:21 में लिखा है, जो यीशु समझा रहा था कि यीशु कहता है अपने अपने दास से, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, मतलब प्रवेश कर मेरे राज्य में और उस आनंद में। मैं ये सुनना चाहता हूं। आज मेरी जो प्रार्थना वो ये है कि परमेश्वर, जब मैं मरूं तो मैं ये सुन सकूं तुम्हारे मुंह से, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगर आप भी यीशु से ऐसा ही सुनना चाहते हैं तो वचन में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना कीजिए अपने जीवन के लिए। आमेन।